दोस्तों सुबह सुबह का वक्त होता है, अभी गली मोहल्ले के लोग सही तरीके से सारे लोग अपने नींद से फारिग भी नहीं होते हैं। तभी एक लड़का अपने हाथ में एक तमंचा लेकर के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि साहब मैंने एक दो नहीं बल्कि तीन तीन लोगों को गोली मार दिया है, जिसमें से दो लोगों की तो मौत हो चुकी है पर तीसरा भी जिंदा है या फिर मर गया ये बात मुझे पता नहीं। साथ ही साथ वो लड़का पुलिस वालों को आगे ये भी कहता है कि साहब मैंने जो कुछ भी किया है मुझे अपने किए पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। लड़का जब ये सारी बातें पुलिस वालों को बताता है उसके बाद से पुलिस उस लड़के को अपने साथ लेकर के उसके बताए हुए जगह पे जाती है तो देखती है कि सच में वहां पर दो लोगों की लाश पड़ा हुआ जिसमें से एक महिला है और एक पुरुष है। पुलिस से जब पूरी घटनाक्रम के बारे में उस लड़के से पूछताछ करती है और लड़का जब इस हत्या की पूरी कहानी को बताता है तो सच में इसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ता। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश जिले के अलीगढ़ शहर की। अलीगढ़ का एक गांव पड़ता है सालपुर, जो राजमिस्त्री का और इसी सालपुर गांव का रहने वाला है। उसकी विजय पाल नाम की बेटी के अलावा चार बच्चे होते हैं जिसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम होता है पूनम। जी हाँ, पूनम जिसकी उम्र करीब करीब 19-20 वर्ष होती है, जो अपने ही इलाके से एक कोचिंग के अंदर बच्चों को पढ़ाती है। दरअसल विजयपाल जो मूल रूप से हरियाणा राज्य से रहने वाला है और करीब 25 वर्ष पहले उसकी शादी राधा से होती है। राधा देवी जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के जेवर कस्बे के रहने वाली होती है। विजयपाल जब राधा से शादी करके अपने घर लेकर के आता है, काफ़ी खुशहाल तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करता है। समय के अनुसार उसके चार चार बच्चे हो जाते हैं, लेकिन विजयपाल के जब चार बच्चे हो जाते हैं उसके बाद से घर परिवार चला पाना अब उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय तक विजयपाल की आमदनी जो होती है बहुत कम हो जाती है। घर में जब मुश्किलों का पहाड़ टूटना शुरू होता है उसके बाद से राधा देवी अपने पति को समझाते बुझाते हुए कहती है क्यों ना हम हरियाणा राज्य को छोड़ देते हैं, किसी दूसरे शहर के अंदर चलते हैं। अब राधा जब इस तरह की सुझाव अपनी पति को देता ही है तो कहीं ना कहीं विजयपाल को भी अपनी पत्नी राधा देवी की सुझाव पसंद आती है। फिर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के रहने वाला अपने एक दोस्त से बातचीत करता है और विजयपाल जब अपने दोस्त से सारी परेशानियों को बताता है तो उसका दोस्त समझाते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अलीगढ़ आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे काम ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद से विजयपाल अपनी पत्नी राधा देवी के साथ और चार बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर आ जाता है और अलीगढ़ के शहर के भीतर सालपुर गांव में एक किराए का कमरा लेता है और उसी किराए के मकान में अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगता है। लेकिन सालपुर गाँव के अंदर आने के बाद विजयपाल राजमिस्त्री का काम तो करता ही करता है, साथ ही साथ वो ठेकेदारी लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो ठीक ठाक जब पैसा कमाना शुरू करता है तो अपने घर में कई कई दिनों तक आता तक नहीं है। लेकिन विजयपाल जितना सारा पैसा कमाता है बहुत ही ईमानदारी से वो सारा पैसा अपनी पत्नी राधा देवी के हाथों में दे देता है ताकि वो उसके चारों बच्चों को सही तरीके से परवरिश कर सके। इधर पूनम की भी जब अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी हो जाती है उसके बाद से पूनम भी अपने ही इलाके के कोचिंग के अंदर कुछ बच्चों को पढ़ाने लगती है। पूनम जब बच्चों को पढ़ाने कोचिंग जाती है तो वहीं पे पूनम की पहली बार मुलाकात प्रवेश नाम के व्यक्ति से होता है। प्रवेश जिसकी उम्र करीब करीब 20 से 22 वर्ष के आसपास बताई जाती है, क्योंकि प्रवेश और पूनम एक ही कोचिंग के अंदर दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं, इसीलिए जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है, फिर बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन पूनम का जब प्रवेश के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है इस बात की जानकारी उसके माता पिता को कभी पता नहीं चलता है। दरअसल इधर राधा जो अपने सालपुर के अंदर अपने बच्चों के साथ रहती है वहाँ से उसका मायका मात्र करीब 25 किलोमीटर के आसपास होती है, इसीलिए अक्सर राधा देवी अपने कभी कभार मायके के अंदर जाती है और एक दो दिन वहाँ रुकने के बाद वापस अपने बच्चों के साथ आ जाती है। दरअसल एक दिन पूनम जब अपनी कोचिंग से अपने घर पर आती है तो देखती है कि उस दिन उसके घर पर दो लोग मौजूद थे जिनमें से एक का नाम था प्रताप और उसका छोटा भाई होता है जिसका नाम होता सुनील, यानी दोनों भाई होते हैं प्रताप और सुनील, दोनों भाई जो राधा के ही मायके जेवर के रहने वाले होते हैं। पूनम जब अपने घर पे जाती है, घर के दरवाजे पर जब उन दोनों को देखती है तो उनसे बिना कुछ पूछे ही कमरे के अंदर चली जाती है, जिसको देख करके राधा देवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह भी पीछे पीछे पूनम के कमरे में जाती है और जा करके अपनी बेटी को डांटते फटकारते हुए कहते हैं कि कौन सी पढ़ाई कर रही है तुम, घर के भीतर तुम तेरे मामा आए हुए हैं, तुमने उसे प्रणाम तक नहीं किया। राधा जी इस तरह की फटकार अपनी बेटी पूनम को लगाती है तो पूनम में गुस्से में आकर के अपनी माँ राधा देवी को कहती है कि कौन सा मामा, मुझे पता है कि तुम्हारा उन दोनों के साथ में कैसा रिलेशन है, कैसा रिश्ता चल रहा है, ये तो अच्छा है कि मैंने इस बारे में अब तक पापा को कुछ नहीं कहा है। पूनम जैसे इस तरह की बात राधा देवी को कहती है
राधा ये बात सुनकर के इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि गुस्से में आकर के एक तमाचा बेटी को लगा देती है। और वहां से बाहर जब निकलती है तो प्रताप और सुनील को कहती है कि दरअसल पूनम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने कमरे के अंदर चली गई। दरअसल प्रताप और सुनील जो राधा के गाँव के रहने वाले थे और दोनों भाई थे, और राधा उन दोनों को मुंह बोले भाई बोलती थी, लेकिन सच तो यह था कि राधा का उन दोनों के साथ में ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इस बात की खबर पूनम को भी पता चल चुका था। लेकिन प्रताप और सुनील जब पहली बार पूनम को देखता है तो पूनम की खूबसूरती देख दोनों की नीयत वहीं पर डोल जाती है। हालांकि राधा को यह बात पता होता है कि दोनों की नीयत उसकी बेटी को लेकर के ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी राधा उन दोनों को रोकने की बजाय आगे बढ़ने की इजाजत दे देती है। दरअसल प्रताप और सुनील उसके बाद से अक्सर राधा के घर पर आने लगते हैं, लेकिन बार बार जब राधा के घर पे वो दोनों आने लगते हैं, एक दिन पूनम अपनी माँ को समझाते बुझाते हुए कहती है कि जो तुम्हारा ये रिश्ता उन दोनों के साथ में चल रहा है ये घर के बाहर ही ठीक था, ये दोबारा मेरे घर के अंदर आए तो मैं इसके बारे में पापा को बता दूंगी। जब इस तरह की बातें पूनम अपनी माँ राधा देवी को बताती है तो ये बात सुनकर के प्रताप और सुनील को राधा देवी बता देती है। ये बात सुनकर के दोनों डर जाते हैं, दोनों को समझ में नहीं आता कि पूनम को कैसे समझाएं और कैसे उसको काबू में करें। दरअसल प्रताप मेडिकल का एक शॉप चला रहा था प्रतापगढ़ में, और वहीं पर सुनील जो सालपुर के अंदर अपना मेडिकल शॉप चला, दोनों दवाई दुकान खोले हुए थे। इस तरीके से दोनों अब अक्सर बारी बारी से राधा के घर पे आते हैं और बार बार उससे मुलाकात करते हैं, लेकिन इस बात की खबर राधा के पति विजयपाल को कभी पता ही नहीं चलता है। लेकिन दोनों को अब इस बात का डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल ये बातें कहीं पूनम अपने पिता अजयपाल से ना बता दे, इसीलिए सुनील पूनम को कैसे भी रोकने का तरह तरह के प्लान बनाता है। तभी सुनील को पता चलता है कि दरअसल पूनम का उसी के कोचिंग के अंदर पढ़ाने वाला प्रवेश के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। दरअसल सुनील को जब पूनम की सारी सच्चाई पता चल जाता है तो सुनील अपने बड़े भाई प्रताप को सारी बात बता देता है। जब दोनों भाई को ये बात पता चल जाता है तो एक दिन जा करके प्रवेश से मुलाकात करते हैं, और दोनों भाई प्रवेश को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम मेरी भांजी का पीछा छोड़ दो, अगर इसके बावजूद भी अगर तुम मेरी भांजी से मुलाकात करोगे तो तुम ध्यान रखना तुम्हें जान से मार देंगे। जान से मारने की जब धमकी देते हैं ये बात सुनकर के प्रवेश एकदम से डर जाता है। अगले दिन पूनम जब कोचिंग के अंदर पढ़ाने जाती है प्रवेश सारी बातें पूनम से बता देता है, तब जाकर के पूनम अपनी माँ की सारी करतूतों के बारे में प्रवेश से बता देती है। दरअसल पूनम प्रवेश से कहती है कि मैं उन दोनों से इस प्रकार से तंग आ चुकी हूँ कि मुझे अब घर जाने का मन नहीं करता। दरअसल उन दोनों की नीयत मेरी माँ को लेकर कहीं ख़राब नहीं है, बल्कि ये है कि वो दोनों भी अब मेरे साथ भी छेड़खानी करते हैं। पूनम जैसे इस तरह की बात बताती है और सबसे बड़ी बात कि माँ विरोध तक नहीं करती। दरअसल एक दिन पूनम जब अपने घर पे जाती है, प्रताप और सुनील जो वहाँ पर मौजूद तो थे, पूनम जब अपने कमरे के अंदर चली जाती है उसके बाद से पीछे से होकर के दोनों पूनम के कमरे में चले जाते हैं और राधा के सामने ही पूनम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूनम जम करके इसका विरोध करती है। और साथ ही साथ पूनम अपनी माँ को डांटते फटकारते हुए कहती है कि यार तुम कैसी माँ हो, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने ही कुछ लोग छेड़ते हैं और तुम उनको रोकने की बजाय और इजाज़त देती हो। पूनम जब इस तरह की बातें कहती है इसी बात को लेकर के माँ बेटी के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, और दोनों के बीच में जब लड़ाई झगड़ा शुरू होता है अब राधा को पूरा विश्वास हो जाता है कि पूनम ये सारी बातें उसके पति विजयपाल से बता देगी। इसीलिए राधा प्रताप और सुनील को दोनों को बताती है कि तुम लोग को जो कुछ भी इसके साथ करना है जल्दी से करो, कि अगर मेरे पति को ये बात पता चल गया तो मैं चाह करके भी तुम दोनों से मुलाकात ही नहीं कर पाऊंगी। पूनम जब इस तरह की बातें घटना होता है उसके साथ और कोचिंग जब पूनम जाती है तो प्रवेश को बताते हुए कहती है कि तुमको जो कुछ करना है तुम जल्दी से करो वरना वो दोनों मेरी इज्जत लूट लेंगे। जब इस तरह की बातें वो कहते हैं तो प्रवेश को पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि प्रताप और सुनील सुधरने वाला लड़का नहीं है, इसलिए गुस्से में आकर के प्रवेश अब इन दोनों को दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। फिर इन दोनों को दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि प्रवेश इस प्लान के बारे में पूनम से कुछ भी नहीं कहता है, और इसी प्लान के तहत सबसे पहले एक तमंचे का इंतजाम करता है। जब तमंचा मिल जाता है आखिरकार 28 अप्रैल के सुबह के करीब 4:30 बजे के आसपास सालपुर सुनील के घर पे पहुंच जाता है। जाकर के दरवाजे पे जब बेल बजाता है, सुनील जब आकर के जब दरवाजा खोलता है अपने सामने जब प्रवेश को देखता है और देखता है कि उसके हाथ में तमंचा है, सुनील इस प्रकार से घबरा जाता है कि डर के मारे घर के भीतर भागने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि सुनील कुछ भाग पाता प्रवेश उसी तमंचे से सुनील के ऊपर ढाई ढाई दो गोलियां चला देता है, जिससे सुनील वहीं पर काफ़ी गंभीर अवस्था में गिर जाता है। लेकिन गोलियां चलने की आवाज़ जब आसपास के लोग सुनते हैं, कुछ लोग अपने घरों से बाहर आते हैं, लेकिन इससे पहले कि पड़ोसी अपने घर से बाहर निकल पाते प्रवेश उस हथियार को हवा में लहराते हुए वहां से भाग जाता है।
और वहां से भाग करके कहीं और नहीं जाता है बल्कि सीधे राधा के घर पे पहुंच जाता है। दरअसल परवेश को ये पहले से बात पता चल चुका था कि प्रताप आज रात को राधा से मिलने के लिए उसके घर पे आया था और रात में उसके घर पे ठहरा था। वहां से सीधे जब राधा के घर पे हो जाता है तो देखता है कि घर के आंगन के अंदर दो अलग अलग खाट के ऊपर प्रताप और राधा काफी गहरी नींद में सो रहे थे। राधा के सारे बच्चे जो कमरे के अंदर सो रहे थे। सोते समय ही प्रवेश दोनों के ऊपर एक पर एक कई सारी गोलियां चला देता है जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही प्रताप और राधा दोनों की मौत हो जाती है। दोनों की जब मौत हो जाती है उसके बाद से प्रवेश वहां से फरार नहीं होता है बल्कि ये कह कि वो हथियार को लेकर के सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि साहब मैंने एक दो नहीं बल्कि तीन तीन लोगों की हत्या कर दिया है जिसमें से दो लोगों की तो मौत हो चुकी है पर तीसरा मरा है या जिंदा है ये बात मुझे नहीं पता। सच में जब ये बात प्रवेश पूरी कहानी पुलिस वालों को अपनी ही जुबानी बताता है पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल तो भेज देती है लेकिन इस बात की जानकारी जब सुनील के तीसरे भाई को बताते तो सुनील का तीसरा भाई पुलिस वालों को कहता है कि साहब इस पूरे वारदात में केवल प्रवेश का ही हाथ नहीं है बल्कि राधा की बेटी पूनम का भी हाथ है। सुनील के भाई के कहने पर पुलिस पूनम को भी गिरफ्तार कर लेती है लेकिन पुलिस जब पूनम से पूछताछ करती है तब पूनम पुलिस वालों को एक ही बात कहती है कि साहब इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। हालांकि पुलिस अपने तमाम प्रयास कर लेती है लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के पास पूनम के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है जिसकी वजह से आखिरकार पुलिस पूनम को छोड़ देती है और फिर पुलिस प्रवेश को हिरासत में लेने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देती है जहां से प्रवेश को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जब राधा के पति विजय पाल को पता चलता है तो विजय पाल अपने सर को पटकते हुए पुलिस वालों को कहता है कि साहब मेरे घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी पता नहीं था। काश अगर मेरी बेटी ने पहले इस तरह की बात मुझे बता देती तो शायद आज मुझे इस तरह का दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों पूरी घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है नहीं किसी का दिल दुखाना है बल्कि आपको जागरूक करना आपको सचेत करना आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का हमेशा ख्याल रखें। जय हिंद जय।